हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। मैं हूं नूरुल सलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन क्लास में। गाइस, आज की बड़ी न्यूज़ क्या है? आज की बड़ी न्यूज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 बड़ी पर्सनालिटीज़ को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है। और ये कोई नई बात नहीं, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये आपके पेपर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 अलग अलग ट्वीट में इन चारों लोगों को बधाई दी है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मोदी जी इंडिया की बड़ी करंट अफेयर्स को जनरेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये चारों लोगों के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या है? क्योंकि 4 साउथ के अलग अलग स्टेट, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीटी उषा की अगर हम बात करें तो ये एक रनर है, रह चुकी है अपने टाइम की बड़ी एथलीट, रह चुकी, बड़ा नाम है, हर कोई इनको जानता है, केरल से बिलोंग करती हैं। इलियाराजा एक सिंगर कंपोज़र है, म्यूज़िक इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा नाम है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, कई सारे पुरस्कार ये जीत चुके हैं, तो इनका भी एक बड़ा नाम है। साथ ही साथ श्री वीरेंद्र हेगाड़े की अगर हम बात करें तो ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, और साथ ही साथ ये जैन धर्म के टेम्पल्स के धर्म रक्षक भी हैं, इसे याद रखिएगा। और वी विजेंद्र प्रसाद गौरव, ये जो हैं ये आपके आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और आंध्र प्रदेश में बड़ी बड़ी पिक्चरों में का स्क्रीन राइटिंग की है इन्होंने, और बहुत सारी पिक्चरों को डायरेक्ट भी किया है। तो ये 4 लोग 4 अलग अलग साउथ के स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इनको नॉमिनेट करके एक बड़ा अच्छा बोल सकते हैं करंट अफेयर का एक एरिया बना दिया है। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है इन चारों का नाम, चारों के स्टेट मैच करने को। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, बट ध्यान रखना है, अगर ध्यान रखोगे तो आराम से एग्जाम के जो भी क्वेश्चन है आप कर लोगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बात होगी क्या कि करंट अफेयर। अब देखिए, 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति ने इन लोगों को नॉमिनेट किया है। भले ही रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई हो, लेकिन इनका नॉमिनेशन करता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को 12 लोगों को नॉमिनेट करने की राइट होता है। कहाँ पर? राज्यसभा में। उसमें से 4 लोगों को रामनाथ कोविंद ने नॉमिनेट किया है। ये इनके कार्यकाल का अंतिम समय चल रहा है, अगले महीने नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, तो अब ये सारी शक्तियाँ उनके पास चली जाएंगी। तो रामनाथ कोविंद के द्वारा अंतिम 4 लोग जो नॉमिनेट किए गए वो यही लोग हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, अब इन चारों लोगों के बारे में मोटी मोटी बातें जान लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपके पेपर में आ सकती हैं। सबसे पहले पीटी उषा के बारे में आप लोग तो जानते हैं, अपने समय की बड़ी एथलीट है, और इनका पूरा नाम थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पिला उलकंडी थेका रा परम्बिल उषा, ये इनका पूरा नाम है। लेकिन पूरा नाम याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, वरना ध्यान रखने से आपका काम हो जाएगा। इनके कुछ पेट नेम भी है, जैसे गोल्डन गर्ल, पयोली एक्सप्रेस, केरल से बिलोंग करती हैं, तो कुटाली कोझिकोड में इनका जन्म हुआ था, और ये एक बड़ा नाम है उस टाइम पर जिस टाइम पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा आगे नहीं आने दिया था, तो एथलीट में ये बहुत आगे निकल रही थी, केरल से बिलोंग करती हैं, इन्हें याद रखिएगा। इनका 80-90 के दशक में इनका बड़ा नाम रहा है इंडिया के में, इंडिया में को रिप्रेजेंट करने वाली एकमात्र फ्रंट में जो महिला लोग या खिलाड़ी थी वो यही थी, इन्हें याद रखिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इलियाराजा एक म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, लिरिक्स भी लिखते हैं, गाने भी लिखते हैं, गाना गाते भी हैं, तो बड़ा नाम है इनका। असली नाम है आर गनाथे सिकन, इनका असली नाम है। और अगर हम बात करें तो बहुत सारी पिक्चरों में इन्होंने गाने को कंपोज किया है, सिंगिंग की है, और लिरिक्स भी लिखे हैं, इनको भी नॉमिनेट किया गया। साथ ही साथ वीरेंद्र हेगड़े, ध्यान रखने वाली बात है, इलियाराजा आपके कहाँ से? तमिलनाडु। वीरेंद्र हेगड़े कहाँ से? कर्नाटक से हैं। ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट और धर्म अधिकारी है धर्मास्थला टेम्पल का, धर्मस्थल टेम्पल कहाँ पर है? कर्नाटक। और ये जैन धर्म से संबंधित है, और ये एक समाज सेवक है, इसे ध्यान रखिएगा। और इनका जो मेन धर्म है वो क्या है? जैन धर्म के फॉलोवर हैं। इसी के साथ हमारे जो अगले नंबर के हैं वो विजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये इन सब में सबसे फेमस लोगों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये पहली चीज़ तो ये एक स्क्रीन राइटर और फिल्म डायरेक्टर हैं, और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने बहुत सारे पिक्चरें तेलुगु सिनेमा और हिंदी सिनेमा की
की हैं जिनमें इन्होंने स्क्रीन राइटिंग की है, उनमें से कुछ के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे बाहुबली हर कोई इसको जानता है, RRR बजरंगी बहजान, मणिकर्णिका, मगधीरा और मार्शल, ये कुछ इनकी प्रमुख पिक्चर हैं जिनमें इन्होंने स्क्रीन राइटिंग की है। इसके अलावा गौर करने वाली और ध्यान देने वाली बात क्या है, इनके बेटे का नाम है SS राजमौली, जो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाने के लिए फेमस है, चाहे बाहुबली हो चाहे RRR हो, ये SS राजमौली की ही पिक्चर थी। तो SS राजमौली के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, अब उनके पापा को भी जान लीजिए, ये उनके पापा हैं जो आपके सामने पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने बहुत सारी पिक्चरों की डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये हो गई इन चार लोगों के बारे में खास बात, ठीक है। और अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और हमसे जुड़े रहिए, हम ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ध्यान देते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।